चलिए गाइस, तो आज हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ चुका था, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। आपको बोर्ड पर डायग्राम दिख रहा होगा, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डायग्राम है, मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत। पहले एक बार डायग्राम को देख लो अच्छे तरीके से, देखिए। अब चलो, अब ध्यान दें, ठीक है। तो ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम, ठीक है। अभी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं अगर आपको बहुत अच्छे से पहले समझाता हूँ। ये है वजाइना, ये एंट्रेंस पोरा है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था आपको, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में क्या पढ़ा था? पेनिस के थ्रू वो क्या होता है, जो स्पर्म है वो रिलीज हो जाता है। अब रिलीज होकर जाता कहाँ है, तो स्पर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉपुलेशन प्रोसेस के दौरान ये स्पर्म जो है वो यहाँ वजाइना के थ्रू, वजाइना उसका एंट्रेंस गेट है, तो वजाइना के थ्रू वो एंटर करेगा स्पर्म, ठीक है। वजाइना के थ्रू यहाँ से क्या करेगा, स्पर्म एंटर करेगा। अब यहाँ पर सर्विक्स मिलेगा उसको, गेट, एक गेट कीपर टाइप का सर्विक्स मिलेगा। इस सर्विक्स को पार करते हुए फिर स्पर्म अंदर घुसेगा। अब स्पर्म कहाँ जा चुका है, स्पर्म जा चुका है यूट्रस में, ठीक है। स्पर्म जा चुका है यूट्रस में, जिसको वूम के नाम से भी जाना जाता है, हिंदी में इसको कोक भी बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यहीं पर क्या होगा, एक्चुअल बच्चे का डेवलपमेंट होता है। चलो अभी ध्यान देते हैं, आगे बढ़ेंगे। स्पर्म, स्पर्म अंदर एंटर कर लिया, ठीक। अब स्पर्म अंदर एंटर करने के बाद कहाँ जाएगा, तो स्पर्म अंदर एंटर करता है इसको रोक देते हैं 2 मिनट के लिए। अब पहले समझ लेते होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दोनों साइड, मैंने एक साइड बनाया है, आप एग्जैक्टली उधर कॉपी कर सकते हो, दोनों साइड आपको प्रेजेंट मिलेगा ओवरी। हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी होता है, और फीमेल गैमेट क्या होता है, तो फीमेल गैमेट होता है एग, यानी इस ओवरी के अंदर में क्या प्रेजेंट रहेगा आपका, यहाँ पर बहुत सारे एग होंगे, बहुत सारे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर क्या होंगे, एग्स होंगे। तो ये एग्स आपका फीमेल गैमेट है। अभी होता क्या है, ये एग धीरे धीरे मैच्योर होते हैं। और अब मैं आपको बता दूं, एक एग एक साइड में, दूसरे साइड की बात नहीं करो, एक साइड में, एक एग को मैच्योर होने के लिए अप्रोक्सीमेटली लगता है 56 डेज, एक एग, यानी कि क्या होगा, प्यूबर्टी एज के बाद की बात हो रही है सारी चीजें। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख कर चुका था प्यूबर्टी को, याद हो बताओ, ठीक है। तो जैसे ही कोई फीमेल बॉडी प्यूबर्टी एज क्रॉस कर लेती है, उसके बाद उसके अंदर रखा हुआ एग मैच्योर होना चालू हो जाता है। तो मान के चलिए दोनों साइड हो रही है, मैं अभी तक टेम्परेरी डायग्राम बना दे रहा हूं, मान के चलिए हो गई है, यहां पर भी काफी सारे एग्स भरे हुए हैं, ठीक है। लेट सपोज फर्स्ट जनवरी को एक एग रिलीज हुआ, फर्स्ट जनवरी को एक एग रिलीज हुआ, ठीक है। तो एक एग रिलीज हुआ यहां से, अब 28 दिन बाद, हर 28 डेज बाद, एवरी 28 डेज, हर 28 दिन बाद दूसरा एग रिलीज हुआ, या एक एग रिलीज हुआ हर 28 दिन। तो फर्स्ट जनवरी को यहां रिलीज हुआ, तो 28 दिन बाद 29 जनवरी, तो 29 जनवरी को इस वाले में से एग रिलीज हुआ, आया आपको समझ में, या 1 जनवरी को उधर से निकला, तो 29 जनवरी को इधर से एग निकला, फिर इसके 28 दिन बाद उधर से, फिर उसके 28 दिन बाद इधर से, तो एक एक करके एग निकलता है। क्लियर हो गया आपको ये, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं इसमें, तो ये तो समझ में आ गया कि हर 28 दिन में एक एग निकलेगा, इतना क्लियर हुआ। अब मान के चलिए कि अब स्पर्म यहां से एंटर कर चुका है, अब स्पर्म यहां एंटर कर लिया, अब उसी टाइम पर क्या हुआ, यहां से ओवरी से एग रिलीज हो गया, तो ये एग बाहर निकला। लेट सपोज ये जो स्पर्म आपका है, यहां पर ये स्पर्म एंटर होने पर दोनों डायरेक्शन में जाएगा, तो इसको पता नहीं इधर से निकला है करके, तो दोनों डायरेक्शन में जाएगा। अब हमको पता है इधर से, तो इधर आएगा स्पर्म, और यहां देखिए, यहाँ आने के बाद ये एग के साथ यहाँ क्या होगा, फ्यूजन होगा, यहाँ स्पॉट पे क्या होगा, एग के साथ यहाँ पर फ्यूजन होगा, यानी यहीं पर फर्टिलाइजेशन होगा, यहीं पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। इससे किसका, मेल गैमेट स्पर्म विद फीमेल गैमेट एग, मेल गैमेट स्पर्म फीमेल गैमेट एग को क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। फर्टिलाइज करने के बाद क्या बनता है गाइस, फर्टिलाइज करने के बाद बनता है जायगोट, यानी जायगोट का फॉर्मेशन फीमेल बॉडी में कहां पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। और यह है क्या चीज, ये है फैलोपियन ट्यूब, जिसको ओविडक्ट बोलते हैं। क्या होता है ना, हर 28 दिन में जो एग निकलता है यहाँ से ओवरी से, तो वो एग निकल कर फलोलम ओविडक्ट के थ्रू निकल कर कहाँ गिरता है, ओविडक्ट में गिरता है, ठीक है, ओविडक्ट। इसी कारण इसको क्या नाम दिया गया, फैलोपियन ट्यूब, क्यों, क्योंकि इसमें अंडा गिरता है बोलते हैं, ठीक है, अंडा क्या होता है इसमें गिरता है बोलते हैं, इस कारण इसको क्या नाम दिया गया, फैलोपियन ट्यूब नाम दिया गया। तो हर बार अंडा इसमें गिरेगा, तो लेट सपोज एक अंडा गिरा, उसी टाइम पर स्पर्म इसी स्पॉट में आकर उसको फर्टिलाइज कर दिया, तो वहां पर क्या होगा, आपका जायगोट फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहां पर हो चुका है आपका जायगोट फॉर्मेशन, ठीक है, मैं उसको बाहर बना दे रहा हूं ट्यूब से, आपको समझाने के लिए बस, ये जायगोट फॉर्मेशन, ये यहां पर अंदर हुआ है, अब यहां पर जायगोट फॉर्मेशन हुआ,
तब ये जायगोट धीरे 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 अपने आप में मल्टीप्लाई होना चालू होगा, ठीक है, यानी सेल डिवीजन वहीं से चालू हो जाता है और आते 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 यहां पर कहीं पर स्तर पर, ठीक है, ये जो जायगोट है वो ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है किस पे, एम्ब्रियो पे, ठीक है, यहां पर किस में डेवलप हो चुका होता है, वो एम्ब्रियो पे डेवलप हो चुका होता है और ये एम्ब्रियो धीरे 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 फिर ये यहां से धीरे 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 आता है और ये जो आपको यहां पर दिख रहा है सॉफ्ट एंड थिक लाइनिंग ऑफ यूट्रस इसके अंदर चला जाता है और फिर यहीं पर आके वो डेवलप होता है, क्लियर हो, ये इसके अंदर चला जाएगा फिर यहीं पर आके वो क्या होता है इसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है एम्ब्रियो का किसमें, फिटस में, फिर एम्ब्रियो धीरे धीरे करके फिटस में डेवलप होगा और फिर वही फिटस फाइनल जब फॉर्म लेता है तो वो किसका फॉर्म रहता है, बेबी का फॉर्म रहता है, आया समझ में, आपको एक मैं जान रहा हूं कि आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा लेकिन आप पहले पूरा समझ लीजिए, मैं आपको इसका एक पार्ट है, एक्चुअल दोनों पार्ट को एक साथ पढ़ाना चाहिए लेकिन एक एक करके पढ़ा रहा हूं ताकि फिर दोनों समझ में आ जाए, तो अभी आप कंटिन्यू ध्यान दीजिए बस आपको समझ में आएगा, इसकी गारंटी है, ठीक है, ये सब कुछ कुछ समझ में आया होगा। दूसरा चीज अब एक बात ध्यान दीजिए, अब मन में सबसे पहले डाउट आ रहा है सर अगर स्पर्म घुसा ही तो क्या, अगर स्पर्म नहीं आया तो, स्पर्म एंटर नहीं किया तो क्या होगा, तो क्या अंडा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, यानी एग रिलीज होगा कि नहीं होगा, तो एग रिलीज होगा ना जी, लेकिन क्या होगा मैं आपको बताऊँ, ध्यान देना एक बात और ध्यान दें खास बात, ठीक है, मान के चलिए एग रिलीज तो हो गया लेकिन स्पर्म अगर नहीं पहुंच पाया तो ध्यान दीजिएगा मैंने बोला इस स्पॉट पे, यानी इसी स्पॉट फर्टिलाइजेशन होता है, ऐसा नहीं कि एग यहाँ पर पहुंच गया और अब स्पर्म एंटर करके यहीं को फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ठीक है, फर्टिलाइजेशन का एक स्पॉट है वहीं पर ही फर्टिलाइजेशन होगा, इसके अलावा अगर एग जो है आगे पीछे रहा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन होने के लिए प्रॉपर स्पॉट है वहीं पर ही फर्टिलाइजेशन होगा, इसके अलावा बाकी जगह पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है, अब ध्यान रखिए अगर एनी हाउ किसी भी रीजन की वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, लेट सपोज स्पर्म एंटर किया ही नहीं, लेट सपोज स्पर्म एंटर किया ही नहीं, स्पर्म गया ही नहीं अंदर, तो वजीरा के थ्रू या सर्वेक्स गेट को क्रॉस करके स्पर्म गया ही नहीं, तो क्या होगा, अब स्पर्म अंदर गया ही नहीं, एग निकलेगा, एग तो निकलेगा लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि स्पर्म नहीं गया, फर्टिलाइजेशन करने के लिए स्पर्म की जरूरत पड़ती है और स्पर्म मिला ही तो फर्टिलाइजेशन होगा ही, तो ये एग जो निकला है वो इधर आएगा धीरे धीरे और यहां पर आने के बाद अब क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है तो उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ तो वो एग यहीं पर आकर क्या हो जाएगा, मर जाएगा, मरने के बाद होगा क्या, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये जो सॉफ्ट एंड थिन लाइनिंग ऑफ यूट्रस आपको जो दिख रहा है रेड कलर में, ये जो आपको लाइनिंग ऐसे स्लैश स्लैश दिख रही है यही आपका सॉफ्ट एंड थिक लाइनिंग ऑफ यूट्रस है, मोटर लाइनिंग, अब ये बनता क्यों, काम क्या है इसका, इसका काम है फर्टिलाइज्ड एग यानी कि जो आपका एम्ब्रियो बन चुका है उस एम्ब्रियो को ये एक्सेप्ट करता है, अपने अंदर खींचता है, लेकिन अब एक बात बताओ, अब एग तो फर्टिलाइज हुआ ही नहीं, ना जायगोट बना, अब जायगोट नहीं बना तो एम्ब्रियो नहीं बन सकता, यानी कुल मिलाकर एग का फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है, एग का डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है, तो हुआ ही नहीं है तो ये क्या काम करेगा, कुछ काम कर सकता है क्या है, अब ये सीधा से बात यहाँ पर कुछ आएगा ही नहीं ना, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए तो क्या करेगा, ठीक है, अब आप मान के चलो एक आपको एक जॉब दे दिया गया है, ठीक है, आप लेट्स सपोज आप एक गेट कीपर है, कोई भी आएगा तो आपको गेट खोलना है, ठीक है, अब कोई आया ही नहीं तो गेट खोलोगे क्या, सीधा सोचिए अगर कोई आया ही नहीं तो गेट खोलोगे क्या, नहीं खोलोगे, बस वही तो है, तो ये क्या करता है, फर्टिलाइज एग आने के बाद इसको एक्सेप्ट करता है, अपने अंदर रखता है, उसके अंदर उसका डेवलपमेंट होगा, लेकिन फर्टिलाइज एग आया ही नहीं ना भाई, तो ये करेगा क्या इस चीज को, कुछ नहीं करेगा, तो ये क्या होता है, कुछ समय बाद फिर ये झड़ जाता है, ये यानी कि टूट जाता है, जो लाइनिंग है उसकी टूट जाती है और टूटने के बाद यहाँ पर क्या होना चालू होता है, फिर ये ब्लीडिंग होना चालू होता है और इसी को अपन क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं अपन, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं, ये ब्लीडिंग के तौर पर, फिर यहाँ से ब्लीडिंग के तौर पर फिर बाहर निकलेगा, ठीक है, इसी को कॉमन भाषा में अपन पीरियड बोल देते हैं और साइंस लैंग्वेज इसको मेंस्ट्रुएशन बोल देते हैं, और ये मेंस्ट्रुएशन कितने बार होगा, कब कब होगा, तो सोचोगे थोड़ा तो बोलोगे सर पता नहीं, तो हर 28 दिन में होगा, कितने दिन में होगा, 28 दिन, अब रिलेट कर पा रहे हो कैसे, तो ये एक बात बताओ मेंस्ट्रुएशन हुआ क्यों, एग रिलीज हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया जिसकी वजह से यूट्रस उसको एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से वो जो यूट्रस की सॉफ्ट एंड थिक लाइनिंग थी वो ब्रेक हो गई और ब्रेक होने की वजह से ब्लीडिंग के थ्रू वो बाहर निकल गया और उसी ब्लीडिंग में जो आपका एग रहता है ना वो भी बाहर निकल जाता है, ठीक है, तो ये हुआ, तो ये कितने बार होगा, तो हर 28 दिन में होगा, क्यों हर 28 दिन में होगा, क्योंकि हर 28 दिन में एग निकलेगा, हर 28 दिन में क्या होगा आपका एग निकलेगा, तो जब जब एग निकलेगा जितने बार उतने बार आपका ये ब्लीडिंग स्टार्ट होगा, यानी उतने बार इसका ब्लीडिंग होगा, यानी उतने बार मेंस्ट्रुएशन होगा, एक बात और बताता हूँ ध्यान दीजिएगा,
ठीक है, जैसे जैसे लोग प्यूबर्टी को अटैक करेंगे, यानी कि जैसे आपका फीमेल बॉडी, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि लगभग 10 से 12 साल में ही फीमेल बॉडी का प्यूबर्टी आ जाता है, सही है, ठीक है। तो अब आप एक बात बताओ, जैसे कि 10 से 12 साल में आ जाता है, तो शुरुआती साल में ये रेगुलर होगा इसकी गारंटी नहीं है, ऐसा समझ नहीं, यानी कि आपको मेंस्ट्रुएशन तो होगा, प्यूबर्टी आने का मेंस्ट्रुएशन होगा इतना कंफर्म है, लेकिन हर 28 दिन में होगा इसका कंफर्मेशन नहीं है। जैसे कि जरूरी नहीं है कि 1 जनवरी को किसी को हुआ तो 29 जनवरी को ही हुआ, शुरुआत की बात हो रही है ना, शुरुआत कुछ साल में ऐसा होता है। लेट्स सपोज मान के चलिए आपका अटेंड हो गया, आपका प्यूबर्टी 12 साल की एज में, ठीक है, लेट्स सपोज 12 साल की एज में अटेंड हो गया, तो जब आप 16 साल 17 साल पहुंच गए, अभी भी आप सोच रहे होंगे कि 17 साल होने के बाद भी जो मेंस्ट्रुएशन का पीरियड है 28 डेज का नहीं है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, शुरुआती साल में, शुरुआती कुछ सालों में, ठीक है, इस 28 डेज ये प्रॉपर नहीं होता मेंस्ट्रुएशन का, इसमें कुछ अलग अलग पीरियड होते हैं, ठीक है, जैसे किसी का 30 डेज, किसी का 35 डेज, इवन तो किसी का 40 डेज, हाँ लेकिन होगा जरूर, ठीक है, ड्यूरेशन पहले फिक्स नहीं होता, प्रॉपर नहीं रहता, कोई प्रॉपर इंटरवल नहीं रहता, लेकिन जैसे जैसे आपका बॉडी का एज बढ़ते जाएगा, आपका एज बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे ये प्रॉपर होते जाएगा, यानी फिर एग्जैक्टली आपका 28 डेज में फिट होना मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा, क्लियर हुआ। अब इसको मैं समराइज करता हूँ जो मैं आपको समझाया, ध्यान दीजिएगा, एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्पर्म रिलीज करता है, उसी प्रकार एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एग रिलीज करती है, और वो एग कहाँ से निकलता है, ओवरी से निकलता है, जैसे मेल में किससे निकलता था, स्पर्म टेस्टिस से निकलता था, वैसे एग कहाँ से निकलता है, फीमेल में ओवरी से निकलता है, ओवरी से एग निकलने के बाद जाता कहाँ है, तो वो कहा जाता है फैलोपियन ट्यूब में, जिसको ओवरी डक्ट भी बोला जाता है, यहाँ जाता है। अब अगर उसको स्पर्म मिला तो फर्टिलाइजेशन होगा यहीं पर, और अगर नहीं मिला तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, लेट सपोज उसको स्पर्म मिल गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो पहला क्वेश्चन, स्पर्म आया कहाँ से, ऑब्वियसली मेल रिप्रोडक्टिव ने आया, कैसे पता बताओ ना कैसे है, तो वाजिरा के थ्रू सर्वेक्स क्रॉस करके वो अंदर आ रहा है, अंदर आने के बाद वो यहाँ स्पॉट पर आएगा, कहाँ पर, ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर फर्टिलाइज करेगा, किसको, एग को, फर्टिलाइज करने के बाद वो किसको कन्वर्ट, एग को किसमें बना देगा, ऑब्वियसली जायगोट बन जाएगा। हम लोग सबको अभी तक बहुत पढ़ चुके हैं कि भाई जब कभी भी कोई मेल गैमेट फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करता है तो जायगोट बनाता है, तो लेट्स सपोज यहाँ पर जायगोट बन गया, यहीं पर अब वो जायगोट धीरे 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 डेवलपमेंट चालू करता है, डिवीजन चालू करता है, डिवीजन करते 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 वो किस पर कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और वो एम्ब्रियो धीरे धीरे किस पर कन्वर्ट होना चालू होता है, किस पर कन्वर्ट होना चालू होता है, फीटस में, और वो फीटस का फिर डेवलपमेंट कहाँ पर होता है, ये जो यूट्रस का जो थिक लाइनिंग है ना उसके अंदर, क्योंकि यूट्रस की जो थिक लाइनिंग वो बनी इसलिए कि भैया इधर से अगर कोई फर्टिलाइज एग आया तो उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा और अपने पास रखकर उसके लालन पोषण करूंगा, उसको बड़ा करूंगा, उसको एक बच्चा बनाऊंगा, एक पूरा, आया समझ में आपको, ये क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। इसके अलावा अब यहाँ पर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, उसको बाद में पढ़ेंगे डेवलपमेंट कैसे होता है। अब अगर वो एग निकला और उसको स्पर्म नहीं मिला तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो जो एग है वो आगे ट्रेवल करके आएगा, यहाँ पर आने के बाद जब यूट्रस को एहसास हुआ कि अरे यार एग तो फर्टिलाइज हुआ नहीं है तो मैं क्या करूँ, तो मैं तो रख नहीं सकता उसको, क्योंकि मेरा तो रूल है कि मैं सिर्फ फर्टिलाइज एग को ही ले पाऊंगा, अब वो रूल नहीं तोड़ता भैया, ठीक है, तो फर्टिलाइज एग को ही ले पाऊंगा, तो यूट्रस फिर अपना सेक्रीफाइस करता है, बोलता है कि अगर फर्टिलाइज एग नहीं तो मैं बचा रहा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये यूट्रस की जो थिक लाइनिंग है, सॉफ्ट एंड थिक लाइनिंग, ये ब्रेक हो जाती है, और ब्रेक होने के बाद ये ब्लीडिंग के थ्रू बाहर निकलता, उसी के साथ साथ एग भी बाहर निकलता, और इसी को फिर अपन क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन या पीरियड बोला जाता है, ठीक है। और ये मेंस्ट्रुएशन की साइकिल कितने डेज की होती है, कितने डेज की होती है, 28 डेज की, इतना क्लियर हुआ आपको, आया समझ में। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि एग कहां से रिलीज होता है, क्या बोलेंगे, ओवरी से, एग रिलीज होकर जाता कहां है, फैलोपियन ट्यूब में, कॉमन क्वेश्चन, व्हाई ओविडक्ट इज नोन एज फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब क्यों बोला जाता है, क्योंकि या फैलोपियन ट्यूब नाम कैसे पड़ा, तो फैलोपियन ट्यूब इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहां पर एग ओवरी से रिलीज होने के बाद गिरता है वहां पर, ठीक है, एग फॉल्स ऑन ओविडक्ट, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड एज फैलोपियन ट्यूब, ऐसा समझ के आपको। अब उस फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, वहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, अगर स्पर्म मिला तो, और नहीं मिला तो फिर कंटिन्यू जैसा प्रोसेस ऊपर में वैसे ही होगा, आगे आपको समझ में। तो ये था आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बहुत ही ईजी था मेरे हिसाब से, आप एक काम करिएगा, अगर आपको समझ में ना आए ना तो आप इस वीडियो को एक बार दो बार और देख लीजिएगा,
अगर 21 में आए तो फिट डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं इस को पढ़ाने के लिए दूसरा पैटर्न फॉलो करूंगा फिर। लेकिन एक दो बार वीडियो को देख ही लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा, काफी इजी तरीके से समझाया मैंने, क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको ये पूछ दे कि भाई बेबी का डेवलपमेंट कहाँ होता है, कहाँ होता है बेबी का डेवलपमेंट, यूट्रस में, इसी कारण इसको वोम भी बोला जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, आई होप इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्लियर है। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब ओवरी क्या है, एक पॉलीथिन टाइप का मान सकते हैं, एक पैकेट है, ओवरी क्या है, पैकेट और एग्स कंटेन करता है, जिसके अंदर एग रहता है बहुत सारा, ठीक है, बहुत सारा, इधर साइड भी औरत है, यानी कि इतना तो कन्फर्म है कि ये एग बनाता नहीं है, एग इसके पास रहता है और वह धीरे धीरे मैच्योर होता है, फिर वहां से निकलता है, यानी कि फीमेल में एग यानी ओवरी जो है वो लिमिटेड लिमिटेड क्वांटिटी में रहता है, जबकि मेल में ऐसा नहीं होता। मेल में आपने नोटिस किया था, मैंने बोला था टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करता है, और मैंने यहाँ पर बोला ओवरी में एग रहता है, दोनों में अंतर है, टेस्टिस स्पर्म खुद से प्रोड्यूस करता है, तो कोई क्वांटिटी लिमिटेड नहीं है, जबकि फीमेल में ओवरी में एग रहता है, यानी कि एग को ऑलरेडी बनाकर उसमें रखा जाता है, ठीक है, यानी एग पहले से उसमें मौजूद रहता है, बस वो मैच्योर होता निकलता है, यानी क्वांटिटी ऑफ एग्स प्रेजेंट इन ओवरी इज फिक्स्ड, ठीक है। ओवरी में एक ओवरी में कितना एग रहेगा वो फिक्स रहेगा, और वो जैसे ही वो एग खत्म हो जाएगा, ये निकल निकलकर मेंस्ट्रुएशन या आपका फर्टिलाइजेशन होगा, जैसे भी वो एग निकलेगा और वो खत्म हो जाएगा, एग की क्वांटिटी खत्म हो जाएगी, तो उस टाइम को मेनोपॉज बोलते हैं, उस टाइम को क्या बोलते हैं, मेनोपॉज, यानी कि जब कभी भी फीमेल बॉडी का मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाए। मेंस्ट्रुएशन साइकिल कब स्टॉप होगा, जब एग का रिलीजमेंट स्टॉप हो जाएगा, एग निकलना बंद हो जाएगा तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी बंद हो जाएगा, तो जैसे ही एग निकलना बंद हो जाए यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाए परमानेंटली, नॉट टेंपरेरी, परमानेंटली, तो उसको बोला जाता है मेनोपॉज, उसको क्या बोला जाता है, मेनोपॉज बोला जाता है, क्लियर हो आप लोगों को ये पॉइंट, ठीक है। जब जब कभी भी पहली बार सबसे फर्स्ट टाइम जब ये एग रिलीज होता है जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में कन्वर्ट हो जाए, सबसे फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल उसको मेनार्ज बोलते हैं, और सबसे लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल को क्या बोलते हैं अपन, मेनोपॉज बोलते हैं, आया समझ में। तो मेनार्ज क्या होता है, सबसे फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब पहली बार एग रिलीज होता है फीमेल बॉडी में, उसकी लाइफ का सबसे फर्स्ट एग जब रिलीज होता है जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो बाहर निकलता है उसको मेनार्ज बोला जाता है, और जो सबसे आखिरी होता है उसकी लाइफ का, उसके बाद फिर अब वो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, मेंस्ट्रुएशन भी नहीं होगा, एग भी रिलीज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, यानी सबसे लास्ट जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगा उसको मेनोपॉज बोला जाता है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जायगोट, फिटस, एम्ब्रियो, ये तीन चीजों के बारे में। कल हम लोग एक और चीज पढ़ेंगे, प्लेसेंटा का रोल पढ़ेंगे, इन तीनों के बारे में डिस्कशन करेंगे, डिफरेंशिएट भी करेंगे कि तीनों में डिफरेंस क्या होता है, इसके अलावा हम लोग कुछ कुछ और पॉइंट्स देख लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही है, थैंक यू वेरी मच।